हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिवेश चौहान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक छोटा सा यूएसबी लैंप, जो कि आपके घर में जो ऐसा पुराना एलईडी बल्ब है उससे ही बन जाएगा। तो जी हां, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो एलईडी लैंप बनाने के लिए चाहिए आपको एक ऐसा जो पुराना एलईडी बल्ब है आपके घर में, जो कि चालू नहीं है, बंद है, ऐसा एक एलईडी बल्ब चाहिए, और एक ऐसा पुराना जो डेटा केबल है उसका यूएसबी कनेक्शन, के जिसके अंदर मैंने अभी सारे वायर निकाल दिए हैं, सिर्फ ये ब्लैक और रेड कलर के वायर रखे, जिसके अंदर जो ये रेड है वो पॉजिटिव है और जो ब्लैक है वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एलईडी बल्ब है उसको खोलना पड़ेगा, और तो इसके अंदर जो एलईडी है छोटी छोटी, जिसमें से जो एलईडी चालू है उसको हमें निकाल लेना है। तो चलिए इसको कैसे खोलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको खोलने के लिए एकदम सिंपल तरीका है, ये जो डिफ्यूजर है उसको ही हमें हटाना होता है। तो इसको ऐसे पकड़ना है और यहाँ से इसको अपनी हथेली पे रख के ऐसे घुमाना है। तो इस तरह से ये जो आपका एलईडी बल्ब है वो खुल जाएगा। तो अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसके अंदर से एलईडी निकालनी है। तो हमें क्या करना है, ये जो इसके अंदर ये जो एलईडी है वो सभी एसएमडी एलईडी है, उनको हमें इस जो बल्ब है उसके अंदर से निकालना है। तो अगर आपको ये कैसे निकालना है वो नहीं पता है तो मेरी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बना देंगे कि ये जो एसएमडी एलईडी है वो आप कैसे निकाल सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 एसएमडी एलईडी निकाल के रखा है, जिसके अंदर ये जो एलईडी है कुछ इस तरह से आपको दिखेंगी। तो ये जो एलईडी है वो कुछ आपको इस तरह से दिखेंगी, जिसके अंदर ये जो ज्यादा बड़ा वाला पोर्शन है वो नेगेटिव है और ये जो छोटा वाला पोर्शन है वो होता है पॉजिटिव। तो इसके अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे एक वायर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया है कि जिसके अंदर जो व्हाइट वाला जो वायर है वो पॉजिटिव है और ग्रीन वाला जो वायर है वो नेगेटिव है। तो इस तरह से हमने ये तीनों एलईडी जो है उसको वायर कनेक्शन दे दिया है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों के जो एलईडी है उनको हम लोग करेंगे पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों का जो ग्रीन वायर है वो एक साथ कनेक्ट करना है और तीनों का जो व्हाइट वायर है वो एक साथ कनेक्ट करना है। अभी ये जो एलईडी है उसको अगर हमें डायरेक्ट यूएसबी में 5 वोल्ट कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा कि ये ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएगी, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही कम वोल्टेज लेती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वोल्टेज तक। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट 5 वोल्टेज दूंगा तो क्या होगा कि जो एलईडी है वो डिफ्यूज हो जाएगी और ये बंद हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेना है ऐसा 220 ओम का रेजिस्टर, और उनको हमें ये जो एलईडी है उनके पॉजिटिव जो वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो अभी यहाँ पे हमारा जो वाइट वाला जो वायर है वो पॉजिटिव था, तो इसके साथ मैं ये कनेक्ट कर दूंगा। इस तरह से हमें रेजिस्टर को कनेक्ट कर देना है पॉजिटिव के साथ। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो हमारा यूएसबी जो है केबल, उसका जो रेड है यानी ये जो पॉजिटिव है उसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर, और ये जो ब्लैक है यानी जो नेगेटिव है उसको हमें कनेक्ट करना है ये हमारा जो ग्रीन केबल है वहाँ पे। तो इस तरह से आपको जो यूएसबी है उसको कनेक्ट कर देना है, पॉजिटिव है उसको रजिस्टर के साथ और नेगेटिव को डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। अभी चलिए इसको हम लोग यहाँ पे यूएसबी के ऊपर ये तीनों के तीनों लाइट अच्छे से फिक्स कर देते हैं। इस तरह से हमने जो एलईडी है उसको यूएसबी सॉकेट के अंदर ऐसे फिक्स कर दिया है सेलो टेप की मदद से, देख सकते हो आप, और यहाँ पर भी ये सेलो टेप की मदद से अभी हमने ऐसे कर दिया। अगर आपको ये इसको ऐसे भी करके आप अगर कर दोगे तो जितना छोटा आप यूएसबी रखना चाहते हो उतना वो छोटा हो जाएगा। चलिए अभी हम
टेस्टिंग करते हैं कि सही में ये वर्क करता है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये एक ऐसा चार्जर ले लेना है, कोई भी जो आपके मोबाइल का चार्जर होता है उसके अंदर ये यूएसबी लाइट है उसको यहाँ पे लगा देना है इस तरह से, और ये जो है उसको आपको लगा देना है आपके जो सॉकेट है उसके अंदर। यहाँ पे मैं एक्सटेंशन बोर्ड ले रहा हूँ और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ये हमारा जो चार्जर है उसको लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये चार्जर लगा दिया और इसको ऑन कर देता हूँ। तो इस तरह से आप ये यूएसबी लाइट को आपके पावर बैंक के साथ, या अगर आपका मोबाइल ओटीजी सपोर्ट करता है तो इसको, इस पिन को ओटीजी के साथ कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और आखिर में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।